स्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिड कैप स्टॉक की जो कि लगातार अपनी ग्रोथ दर्ज पे दर्ज करता जा रहा है और जिसका सेगमेंट काफी बूम रहा है। पिछले कई सालों से इस सेगमेंट में कोई गिरावट नहीं आई है, यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी इस सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इस सेगमेंट पर इसका कोविड का कोई असर नहीं रहा है, तो ये सेगमेंट काफी परफॉर्मिंग रहा है। इसी के साथ साथ इसमें जो भी नए स्टॉक की एंट्री हुई है उन्होंने भी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल के इस स्टॉक की जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, जो कि स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1989 में। कंपनी की लिस्टिंग जस्ट मार्च 2021 के महीने में ही हुई है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है और जिसकी लिस्टिंग लगभग 40% प्रीमियम के साथ ओपनिंग रही थी। कंपनी का आईपीओ जो आया था वो 130 के प्राइस बैंड पर आया था और कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म में ही अपने इन्वेस्टर्स को 40% के प्रीमियम पर लिस्टिंग देके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट वो आईपीओ लगा था उनको दिया है। तो बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट की। तो फ्रेंड्स, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो कि एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, ये दो सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो फ्रेंड्स, कंपनी पिछले 30 साल से इस बिजनेस में एक लीडिंग कंपनी रही है और ये कंपनी मुख्य रूप से इन्हीं दो सेगमेंट में काम करती है, एसिटाइल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में, जिसका यूज पेंट्स एंड मेडिसिन ये सब सेगमेंट में होता है जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल के रूप में यूज में आता है। दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जो है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीएट की, जिसमें कंपनी का 30% का मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है एकमात्र मैन्युफैक्चरर है डाइकेटिन डेरिवेटिव्स की, जो कि एक तरह का केमिकल बनाती है जिसमें ये भारत में और कोई नहीं बनाता है, ये खाली लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी ही बनाती है। तो सोच सकते हैं कि कंपनी का जो ये सेगमेंट है काफी डिमांडेबल हो सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये बात कंपनी के पोटेंशियल को दिखाती है कि कंपनी कितनी पोटेंशियल रखती है अपने सेगमेंट में। दोस्तों, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डिफरेंट वेरियस सेगमेंट में यूज होते हैं और इनके यूज काफी इंडस्ट्रीज करती है, लाइक फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंक एंड कोटिंग में भी इनका यूज होता है, डाई एंड पिगमेंट सेगमेंट में भी ये काम करती है। और इनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका नाम आप देखेंगे तो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि काफी अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ इनका टाई अप है जो इनके कस्टमर रहे हैं, जैसे कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, लॉरस लैब है, ग्रेनुअल्स इंडिया है, हेट्रो हेल्थ केयर है, एंड इसी साथ साथ अगर नामी कंपनी में बात करूं तो फार्मा सेक्टर में मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल जो कि टॉप की कंपनी में आती है, और वहीं यूपीएल लिमिटेड आप जानते ही होंगे अगर आप मार्केट में है, तो सुमन लाइफ साइंस है, कलर टेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये इनके कस्टमर्स हैं। तो सोच सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस किस तरह से काफी अच्छा बूम कर सकता है आगे भी, और प्रेजेंट में तो ये कर ही रहा है। और इतना ही नहीं, कंपनी का जो बिजनेस है वो 30 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों में अपना काम फैला चुका है। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है करंट में, दोनों ही महाराष्ट्र में अवेलेबल है, जहाँ की इनकी AI और SI जो इनका सेगमेंट है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, ये दोनों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती है। तो दोस्तों, ये थी कंपनी के कुछ बिजनेस एंड सेगमेंट के बारे में हमने कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देखे। तो अब हम देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस किस तरह से प्रेजेंट में चल रहा है। तो प्रेजेंट में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस है 362 रुपीज। कंपनी का 1 वीक का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 1 वीक में लगभग 5.53% के रिटर्न दिए। 1 मंथ की बात करें तो 42% की शानदार रिटर्न दिए पिछले एक ही महीने में, और यही 1 ईयर में 120%, ये 1 ईयर भी नहीं है फ्रेंड्स। कंपनी का जो आप देख सकते हैं कि कंपनी का आईपीओ जो आया था वो मार्च 2021 में आया था, तो मार्च से अभी तक आप देख सकते हैं कि जस्ट 4 to 5 मंथ्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितनी शानदार रिटर्न दिया जो कि 120% की है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इसका मार्केट कैप है 9,552 करोड़ का, जिसे आप मिड कैप स्टॉक कह सकते हैं, और इसका करंट प्राइस है 362 रुपए पर, और वहीं कंपनी का हाई रहा है 52 वीक हाई जो कि 430 है, और करंट में जो प्राइस चल रहा है वो जस्ट 10% माइनस ही है अपने 52 वीक हाई से, और वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 143 रुपीज है। स्टॉक का पी है 75.1 का, जो कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर जरूर लगता है, और वहीं कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.14% है जो कि एक अच्छी साइन है कंपनी के लिए। कंपनी का ROCE रहा है 20.2%, ROE रहा है 17.4%। कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग देख के आप कह सकते हैं कंपनी में शानदार प्रमोटर्स बने हुए हैं, 72.9% की शानदार होल्डिंग है इनकी, और कंपनी के ऊपर ओवरऑल डेब्ट देखा जाए तो 141 करोड़ यहाँ का है, और वही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.14। कंपनी के पास रिजर्व है 982 करोड़ का। कंपनी की इंट्रेंसिंग वैल्यू देख सकते हैं तो 97.9 है, जिससे कंपनी थोड़ी महंगी जरूर नजर आती है इस समय, बट ओवरऑल
अदर फैक्टर्स एंड परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई जरूर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर एक नजर डालते हैं। कंपनी के क्वार्टरली स्टेटमेंट को देखा जाए तो कंपनी पिछले मार्च 2020 में इनका ओवरऑल सेल्स जनरेट होता था 387 करोड़ का, जो की जून 2020 के क्वार्टर में 404 करोड़ हुआ, दिसंबर 2020 में 436 करोड़ और वही मार्च 2021 में 520 करोड़ का, और यही जंप और अच्छा देखने को मिलता है जून 2021 में ये क्वार्टर में 736 करोड़ का। यानी कंपनी का ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाते जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इनका रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ते दिख रहा है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 20 करोड़ का मार्च 2020 क्वार्टर में था, जो बढ़ के मार्च 2020 के लास्ट के क्वार्टर से इस जून क्वार्टर तक 145 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंसिस्टेंटली बढ़ता दिख रहा है, जिसमें खास अच्छी खासी जंप जो आई है पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर में, मार्च 2021 से जून 2021 वाले में। मार्च 2021 में इनका 64 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के 145 करोड़ गया, ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप किया है। यहीं पर क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखा जाए तो 4 करोड़ से बढ़ के 136 करोड़ की शानदार जंप किया इन्होंने पिछले एक साल में। और वही नेट प्रॉफिट देखा जाए तो फ्रेंड 10 करोड़ था इनका मार्च 2020 के क्वार्टर में, जो कि कंटिन्यूस 10 से हुआ 21 से 45 करोड़, 45 से 36 करोड़ एंड देन 36 करोड़ से सीधा 102 करोड़ की जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो पिछला जून क्वार्टर इनका काफी परफॉर्मिंग करता दिख रहा है। और वही ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इनका जो सेल्स रहा है मार्च 2016 में 147 करोड़ का, वो बढ़ के मार्च 2021 में 1768 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 2016 से 80 करोड़ से लेके 220 करोड़ तक इनका प्रॉफिट मार्च 2021 में हो गया है। 80 करोड़ में मार्च 2016 में 80 करोड़ था, 80 करोड़ से 2017 में हुआ 119 करोड़, 119 से 154 करोड़, 154 फिर 155 देन अगेन थोड़ी डीप नजर आती है 117 करोड़ पर, और मार्च 2020 में 117 से 220 करोड़, यानी डबल डिजिट की यहाँ पर जंप अच्छी खासी ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो मार्च 2016 में 34 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और वो बढ़ के मार्च 2017 में 82 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 113 करोड़ की हुई शानदार जंप के साथ, और फिर थोड़ा डीप जरूर नजर आया 98 करोड़ पर एंड देन मार्च 2020 में 81 करोड़ का। मार्च 2020 से मार्च 2021 में जो की जंप यहाँ के हमने सेल्स में देखी वही प्रॉफिट में भी देखने को अच्छी खासी मिल रही है, लगभग 158 करोड़ यानी ऑलमोस्ट डबल हुआ है यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो फ्रेंड्स मार्च 2016 में 27 करोड़ थी, 27 करोड़ से बढ़कर हुई 72, फिर 2018 में 76 करोड़, फिर मार्च 2019 में 72 करोड़ एंड ये एवरेज 70-80 करोड़ के बीच ही चलता रहा। लेकिन पिछला जो मार्च 2020 से करंट मार्च 2021 में जो जंप हुआ वो भी शानदार रहा, 70 करोड़ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली 127 करोड़। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो पिछले 5 इयर्स में इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा 11% का, 3 इयर्स में 9% का और ट्रेलिंग 12 मंथ में 15% का। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कि प्रेजेंट में 15% चल रहा है, तो एवरेज अभी 10 से 15 का एवरेज इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 5 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 37% का, 3 साल में 19% का, ट्रेलिंग 12 मंथ में जो कि 157% का, जो कि बहुत शानदार देखने को मिलता है। और वो बिकॉज ऑफ पिछला मार्च 2020 से प्रेजेंट मार्च 2021 में इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिला है इनके प्रॉफिट में भी, और इस वजह से ये काफी शानदार जंप देखने को मिलता है। जस्ट 19% 3 साल का था और प्रेजेंट में 157%, तो कई गुना ज्यादा ये बढ़ता हुआ देखने में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो फ्रेंड्स 5 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 18%, 3 साल में रहा है 16% और वही पिछले साल में रहा है 17% का। अब कंपनी के बैलेंस शीट को देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स रिजर्व एंड सरप्लस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इस समय मार्च 2016 में 225 करोड़ था, 295 करोड़, 2017 में 369 करोड़ पहुंचा, फिर 2019 में 400, फिर 382 करोड़ 2020 में, और वही मार्च 2021 में पहुंच के हो चुका है 982 करोड़ का। और वही ओवरऑल कंपनी का बोरोइंग यानी कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो 141 करोड़ का प्रेजेंट में इनके ऊपर डेप्ट है, जो की एक डिमिनिशिंग जरूर दिखता है पिछले मार्च 2016 से मार्च 2021। वही कंपनी के कैश फ्लो को देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो काफी पॉजिटिव नजर आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि पिछले 2016 से लेके इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में नजर आ रही है मार्च 2021 में, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी साइन है। और वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी काफी खर्चा कर रही है प्रेजेंट में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह पर, तो जिस वजह से इनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में दिख रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो पॉजिटिव है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो वो लगभग 20% के आसपास रहा है मार्च 2021 में। वही डेटर्स डे की बात करें फ्रेंड्स, डेटर्स डे मींस कंपनी का जो पैसा है कंपनी के पास रिटर्न कितने दिन में आ रहा है इनके कर्जदारों से, यानी जिन्होंने कंपनी ने पैसा दिया है उनसे रिटर्न 67 डेज में आ रहे थे मार्च 2016 में, और वो बढ़ के हो गया 79 डेज मार्च 2017 में, 86 डेज और 76 डेज 86
डेज है, इंप्रिजनमेंट 90 डेज है, जो कि एक अच्छी साइन नहीं है। कंपनी को उनका खुद का पैसा मार्केट में जो जिनसे रिकवर करना है वो थोड़ा लेट मिल रहा है, मार्च 2016 के कंपेयर में। प्रेजेंट में 90 डेज है, 3 महीने के बाद कंपनी के पास पैसा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 72.9% की हिस्सेदारी इसमें रखी है, जो कि एक स्ट्रांग पॉइंट है कंपनी के लिए, और कंपनी पर इन्वेस्टर्स का भी भरोसा थोड़ा बना रहता है इससे कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग काफी अच्छी है, 72% की होल्डिंग। और वही एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 5.5% था, 5.54% था मार्च 2021 में, जो कि प्रेजेंट में इस जून क्वार्टर में घटते हुए दिख रहा है 3.58% पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनकी होल्डिंग 6.05% की, जो करंट में है 5.01%। वही पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए 15.49% से बढ़कर 18.49 हो चुकी है। तो एक निगेटिव पॉइंट दिख रहा है इनके प्रमोटर्स में, एफआईएस एंड डीआईएस ने थोड़ी अपनी हिस्सेदारी कम की है, जो कि एक अच्छी बात नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स कंपनी एक अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, केमिकल सेक्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट है, अल्कालिन, ये काफी अच्छे ग्रोथ रेट दिए हैं, अच्छे सीजीआर ग्रोथ रेट दिए हैं अपने इन्वेस्टर को कमा के। तो ये कंपनी से भी एक उम्मीद कर सकते हैं। प्रेजेंट में कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें भी काफी अच्छी देखने को मिली है। और इनका एक यूनिक बिजनेस है कि ये डाइकेटिन डेरिवेटिव्स नामक केमिकल का इकलौता मैन्युफैक्चरर है, और इनका मार्केट शेयर ओवरऑल देखा जाए तो 30% है ओवरऑल इंडिया में, और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इस सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट का नजरिया देख सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आप सोचिए फ्रेंड, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में आप इस कंपनी पर पैसा लगा सकते हैं, और थोड़ी महंगी जरूर है, जैसे गिरावट होती है वैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हम अपना नजरिया बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने खुद की भी एनालिसिस जरूर करें, और तब भी आप फाइनल डिसीजन लें कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसी के साथ साथ वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल